चांगला राहण्याची खाण्याची एकदम व्यवस्थित सोय आहे इथं आणि इथं जे बशी घेण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन आपल्या हा डोळ्यासमोर बघून दोन टाइम दूध काढून बशी खरेदी केल्या जाते। पुठे सींग शरीर देखे वीडियो में ये देख ले जी। सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से नासिक महाराष्ट्र के लिए भाई साहब आए हुए हैं अपने फार्म पे, जिन्होंने 10 भैंसे खरीदी है जी। इस लाइन में बंधी हुई है, बहुत भारी भरकम भैंसे हैं, वो दिखा देता हूँ एक मिनट, और भाई साहब से आपकी बात करवाएंगे। ये देखें जी, तो नासिक में कौन सी जगह है और कितने दिन हो गए अपने फार्म पर आए हुए, कैसे भैंसे खरीदी, हर चीज़ की जानकारी देंगे आपको। तो ये देखें जी। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कौन सी जगह से आए हो भाई साहब? नासिक जिला। नासिक जिला, गांव का नाम अपना? हमारा गांव का नाम है आनंदोली। आनंदोली, अच्छा। और कोई तालुका पड़ता हो? नहीं, नासिक ही तालुका है, नासिक अच्छा। जिला। नासिक से कितना किलोमीटर है? नासिक से 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर है। तो कितने दिन हो गए भाई साहब आपको इधर आए हुए? चौथा दिन हो गया। 4 दिन हो गया। कितना भैंस खरीदा आपने? 10 भैंस। कैसी लगी भाई साहब भैंस आपको? बहुत अच्छी है। और महाराष्ट्र में भी देखा था आपने भैंस, और इधर? अच्छा अच्छा, लेकिन आपके वीडियो में देखते रहते हैं। अच्छा, तो कितनी भैंसों में से कितनी भैंसे खरीदी आपने? जैसे 50-60 भैंस देखी और उसमें से 10 भैंस सिलेक्ट की। 10 भैंस पसंद। दूध कितने टाइम देखा भाई साहब? दो बार देखा। दो टाइम पसंद है ना? बिल्कुल बहुत है। अच्छा, रहने खाने पीने में कोई परेशानी आई भाई? घर जैसा रखा, घर जैसा खाना दिया। अच्छा अच्छा, आपकी जो मराठी भाषा है उसमें थोड़ा बताओ इधर का क्या सिस्टम है महाराष्ट्र के देखने वाले भाइयों को मराठी भाषा में। मराठी भाषा में? हाँ। राजगिरी इथं आम्ही नाशिकवरून आलेलो आहे। हाँ हाँ। इथली जी राहण्याची खाण्याची एकदम व्यवस्थित सोय आहे इथं आणि इथं जे बशी घेण्यासाठी हाँ हाँ वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन अच्छा डोळ्यासमोर बघून दोन टाइम दूध काढून अच्छा खरेदी केल्या जाते। हाँ हाँ। और रहने खाने पीने में कोई दिक्कत आई हो भाई साहब? खाने में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा अच्छा, एकदम व्यवस्थित सोई होती, घर घर से जाऊन दिला। अच्छा, कोई धोखे वाला काम हो भाई साहब इधर? ना, धोखे वाला कोई काम नहीं। हाँ, तो नमस्कार जी, नाम बताएं अपना, इनके पिताजी है साथ में। नाम वसंत। वसंत हरी साड़ी। अच्छा अच्छा, ये अपनी जो मराठी भाषा में नाम महाराष्ट्र वाले देखने वाले भाइयों को पता चल जाएगा। कैसा लगा इधर आके आपको? इकड़े हाँ हाँ भैंस लेने। हाँ हाँ, भैंस लेने के लिए तो बताओ थोड़ा। है चांगला, ठीक है ठीक है जी। थोड़ा हिंदी कम आती इनको, मराठी में बोल रहे हैं। तो हर भैंस का रेट बताएंगे जी, कीमत बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। जो भी भाई नए साथ में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँच सके। ये एक नंबर की झोटी है जी, 17-18 किलो दूध अभी तैयार है। 1,30,000 रुपये की झोटी खरीदी है जी, पूरी हाइट लंबाई ऊंचाई की दूसरे ब्यांत की है। मिल्किंग अभी चालू है जी, ये देखें, बिल्कुल नरम चुवाई की झोटी है, 1,30,000 रुपये की ये खरीदी है जी, 1,25,000 रुपये की। आप कमेंट में ज़रूर बताएं इन झोटियों के बारे में जी, 16-17 लीटर दूध की झोटी 1,25,000 रुपये की, ये देखें जी, बहुत देखी पाल्टी। और ये खरीदी है जी 1,15,000 रुपये की, दूसरे ब्यांत के एनिमल लगभग सभी के सभी। ये खरीदी जी 1,10,000 रुपये की, ये देखिए, दो दो तीन तीन टाइम दूध निकाल के सभी भैंसों का, फिर ये भैंसे खरीदी है। ये भैंस खरीदी है 1,04,000 रुपये की जी। पुठे सींग शरीर देखें वीडियो में, ये देख लें जी। और ये खरीदी है 1,04,000 रुपये की, ये खरीदी है जी 1,15,000 रुपये की भैंस, 15-16 किलो तैयार दूध है बिल्कुल। और ये खरीदी है 1,02,000 रुपये की, ये खरीदी है 92,000 रुपये की, 92 का 92,000 रुपये का। और ये जोटी खरीदी है जी 90,000 रुपये की,
और लगभग 12-13 लीटर चालू दूध है इसमें भी अभी, ये देख ले। और ये गाय जाएगी पंढरपुर महाराष्ट्र में, ये 7 गाय की खरीदी हो चुकी है और 3 गाय की अभी बाकी है, प्रेग्नेंट गाय हैं 6-7-8 महीने तक की जो प्रेग्नेंट है। तो ये गाय जा रही है पंढरपुर महाराष्ट्र में, ये देख ले जी। तो नासिक से भाई साहब आए अपने पास में, कोई भी भाई अपने महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, कराड़, पुणे, नासिक, नांदेड़, मुकरामाबाद, कहीं से भी हो, अच्छी भैंसों के लिए आप कभी भी आ सकते हैं राज डेयरी फार्म पे। 2-3 टाइम दूध निकाले, जौन सी भी आपको पसंद आए वो आप लेके जा सकते हैं जी। तो लगभग महाराष्ट्र के बहुत भाई साथ में जुड़ रहे हैं जी और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी भैंसें जो हम जो लेने वाले भाई हैं उनको दिलवा सकें। पीछे की क्वालिटी ज़रूर बताएं आज की वीडियो की कैसी है सभी भैंसों की। देखो जी, सींग मैटर नहीं करता हर चीज़ में, हर चीज़ देखनी पड़ती है भैंस की। और जो सिलेक्शन भाई साहब का देखें, बहुत बढ़िया था जी, देख ले। तो आज की जो वीडियो कवर की राज डेयरी फार्म गांव मिंगनी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से। और किसी भी भाई साहब को अच्छी भैंस लेनी हो कभी भी आ सकते हैं आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी, राजस्थान, तो कोई भी भाई आ सकते हैं जी। तो कैसा लगा आज का सुबह सुबह का वीडियो राज डेयरी फार्म से शूट किया। और वो नासिक से भाई साहब भी आए अपने पास में, वो गाय पंढरपुर जा रही है जी। तो ठीक है जी, सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।